नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए, आज हम लग गए हैं अपने नए काम पर। नया काम क्या है? जैसा कि आपको पता है, ऑफिस ये खाली हो चुका है। भैया यहाँ से अपना सामान भैया ने शिफ्ट कर दिया है दुकान पर, जो काउंटर वगैरह था, बाकी जो जरूरी उनका सामान था वो ले गए। और अभी भी काफ़ी सामान यह है कि कुछ तो वेस्ट ही है और कुछ उनका मुझे लग रहा कि यह काम आ सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान और ये जो सीट रखी है तो ये भी दुकान की, लेकिन अभी तो यहीं पे ही पता नहीं लेके जाएंगे नहीं। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान है, पहले तो मैं इसे खोल के देखूंगी कि इसमें क्या है। अगर मुझे लगा जरूरी तो मैं कर दूंगी इसमें सेट, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा होगा वो निकाल दूंगी, उसको बस फिर मैं कूड़े में डाल दूंगी। क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं, हम ना क्या करते हैं कि ये भी जरूरी काम आ जाएगा, बाद में काम आ जाएगा। तो इस तरीके से इकट्ठा करके काफी सारा सामान हम इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा होता है हमारा घर भरने का कारण, कि हम फेंकते हुए थोड़ा सा लालच में आ जाते हैं कि कभी काम आ जाए। लेकिन मैंने ये खोल दिया है, मुझे बहुत सारा सामान इसमें, ऐसे कपड़े वगैरह पुराने ही पड़े थे, पहले ही पड़े हैं इसमें सारे। तो मैंने कहा चलो लगा दूं, जितने भी जरूरी ठीक से लगे मैंने सामान वो रख दिया। बाकी काफी सारे कपड़े ऐसे थे जो एक्स्ट्रा थे, वो मैं इसमें से निकाल दूंगी। और इधर इसके पापा गुड्डू के लग रहे हैं ये बोर्ड ठीक करने में, जो बोर्ड है ये इनके स्विच वगैरह जो ऊपर के कवर से वो भी निकल रहे थे। तो ये अपना बिजली का काम इन्होंने अपना शुरू कर दिया और ये बन गए हैं, क्या बोलते हैं जो बिजली का काम करते हैं, मकैनिक की समझ लो। तो वो बन के कर रहे हैं बोर्ड ठीक। वे बोर्ड सारे उतरे पड़े थे तो उनको लगा देंगे, तो इन्होंने कर दिए पहले इधर वाले दूसरी साइड के भी। और ये बोर्ड इसमें ऑफिस में काफी सारे लग रहे हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमारा ऑफिस ये कंप्यूटर का वर्क करते थे सारे, इसमें लगभग 8-10 कंप्यूटर थे। तो उसी हिसाब से तब ये ऑफिस हमने बनवाया था, तो ये बोर्ड वगैरह उसी हिसाब से हमने कंप्यूटर के लिए लगवाए हुए थे। तो इस वजह से ज़्यादा ही बोर्ड हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये सीट खाली करी, जितना भी सामान था एक्स्ट्रा वो निकाल दिया, और जो वेस्ट सा था और जो जरूरी था वो मैंने इसके अंदर रख दिया, लगा दिया सेट करके, और इसको निकाल दूंगी मैं अब बाहर। बाकी बाद में देखेंगे कहाँ मुझे ये सेट करनी, कहाँ रखनी है, कैसे कैसे। और अभी तो मुझे मेरा मेन है कि मैं ये जो ऑफिस है ये मुझे बिल्कुल क्लीन करना है, खाली करना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ही कपड़े पड़े, तो इसके पापा कहते कि ये सारे एक उसमें भर लेंगे, थैले वगैरह में थैला लिया, और ये फिर बस ऐसे ही फेंक देंगे। तो काफ़ी सारे, जैसा भैया वीडियो बनाते थे, चार्ट वगैरह भी बहुत सारे उनके जो नाप के वो बनाते हैं चार्ट वगैरह, वो भी काफ़ी सारे पड़े थे, वो भी सारे एक गट्ठर सा ही भर गया। तो उसके बाद मैंने उतार दिए हैं जाले, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ऑफिस में तो मेरे से सफाई नहीं हो पाती, तो जाले भी लगे हुए थे। मगर चलो साथ साथ अपना दीवारें वगैरह भी जाले हटा के साफ कर देती हूँ। तो यहाँ बस लग गए हैं दोनों साफ सफाई करने में, सबसे पहले अपने ऑफिस को आज चमका देंगे। तो क्लीनिंग जाले वगैरह तो मैंने उतार दिए, इसके बाद इसके पापा लाए थे झाड़ू की, ला झाड़ू दीवार पे मार दूँ और इनके ऊपर, क्योंकि जाले वाला जो था उससे तो अच्छे से साफ नहीं हो पा रहे थे, तो इन्होंने और भी अच्छी तरीके से झाड़ू से ये कर दिया है। जाले मैंने उतार दिए थे, बाकी दीवारें और ये टाइल्स के ऊपर से सारा गर्दा इन्होंने झाड़ दिया। उसके बाद अब करूंगी मैं ये विंडो साफ, विंडो दोनों साइड की, क्योंकि धूल मिट्टी सी तो लगी रहती है। वैसे तो मैंने ये लगभग 8-10 दिन पहले ही इन पे कपड़ा मारा था, तो इतनी गंदी तो थी नहीं, थोड़ा सा यह धूल सी आ जाती है। और सामान जो भी था एक्स्ट्रा वो मैंने सारा उठा दिया विंडो में से। विंडो में भी काफ़ी सारा सामान ऐसा था, जैसा भैया के मशीन की सुई, बटन वगैरह, और उनके धागे से जैसा सिलाई स्टिच करते हैं उसी का सारा सामान था, वो मैंने एक डब्बे में पैक कर दिया। मैं कहा देख लेंगे, जो भी उन्हें लगेगा ठीक है, वरना तो फिर मैं वो मतलब घेर दूंगी। तो अभी मैंने वो साइड में रख दिया। तो इधर जो घड़ी हमारी दूसरी साइड लगी थी ये मैंने लगवा दी इनसे फ्रंट में, मैं कहा इधर लगा दो। और दीवार पे मैं अभी कुछ नहीं लगाऊंगी, जैसा मैंने बताया कि दीवारों में ना यहाँ पे किल्ले किल्ले लगी पड़ी, वो इस वजह से क्योंकि ट्यूब वगैरह काफी लग रही थी। जैसा जैसा काम करते गए उसी हिसाब से दीवारों में
मतलब कभी ग्रीन पर्दा लगाना, कभी ट्यूब वगैरह इधर की इधर लगाना, काफी सारा इन्होंने अपने आप ही कर रखा। मतलब मिस्त्री से नहीं करवाया, गुड्डू के पापा अपने आप ही सारी सेटिंग्स ही कर लेते थे बिजली वगैरह की। तो दीवार में बहुत सारी किल्ले लगी पड़ी हैं, तो मैं कहा नहीं अभी कोई पेंटिंग वगैरह या कुछ ऐसा नहीं लगाऊंगी, अभी तो बस मैं इसको बिल्कुल खाली कर दूंगी। सारी दीवारों पर जो पेंटिंग थी, तस्वीर थी, वो मैंने उतार दी और इनको अब दीवारों को कर दिया खाली। सिर्फ एक घड़ी लगाई है मैंने वहां पे, घड़ी यह है कि घड़ी तो चाहिए ही टाइम देखने के लिए। तो यहाँ पे पूरा रूम बिल्कुल क्लीन कर दिया, झाड़ू लगा दी। अब उसके बाद मैं कहा अपनी टेबल भी ये सेट सी कर लो, क्योंकि ये भी भरी पड़ी है सामान से। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हम रखते चले जाते हैं और वो उठाया नहीं जाता। तो मैं इनको कहने लगी, मैंने कहा आप ये टेबल भी अपनी खाली कर लो, साफ सी कर लो, ये भरी पड़ी है। तो जब तक मैं लगा देती हूँ पोचा, तो झाड़ू वगैरह झाड़ पूछ हो गई है। विंडो में भी मैंने कपड़ा मार दिया, टाइल्स पे भी अच्छी तरीके से मार दिया। उसके बाद बस लास्ट का काम है पोचा, पोचा लगा के मैं छोड़ दूंगी और मेरा रूम हो जाएगा बिल्कुल क्लीन। खाली तो हो ही गया, बाकी ये जो कंप्यूटर की टेबल है ये यहीं पे ही रहेंगी अभी, इनको नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारा काम जो इसके पापा का और कन्हैया का, मैं तो यहीं पे ही करेंगे दोनों काम। कन्हैया का दोनों साइड काम चलेगा, दुकान पे भी भैया वीडियो बनाएंगे तो वहां पे जाएगा, बाकी जो अपना जैसा उसे समय मिलेगा उसी हिसाब से अपना घर पे कंप्यूटर का अपना काम कर लेगा। तो ऑफिस मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, वहां पे फैन चला के छोड़ दिया ही। अब देखिए, अब यहाँ पे अब आगे दूसरे रूम में, यहाँ पे हमने करना है अपना रूम चेंज। जैसा कि पता ऑफिस फ्री हो चुका है, खाली इसमें स्पेस हो गया, तो गर्मी भी काफ़ी हो रही है और इधर बहुत ज़्यादा भरा भरा भी हो रहा। तो हम सोच रहे कि घर को थोड़ा सा चेंज कर लें, मतलब बदल लें घर, और जैसा रूम वगैरह ए सेटिंग सी अपनी थोड़ी सी चेंज कर ले, जिससे कि घर में स्पेस भी बन जाए। इधर रूम भी हमारे छोटे तो स्पेस भी कम है, और उधर हमारा ऑफिस भी अभी काफ़ी खाली हो गया। तो उसी हिसाब से हमने पहले तो सोचा कि क्या डालना कैसे, पहले तो सोच रहे थे जो बाहर दीवान है वो डाल लेंगे, लेकिन फिर सोचा कि गर्मी अभी काफ़ी हो रही है, हमने कहा चलो एक बेड ये वाला उधर ही डाल लेंगे, क्योंकि वहाँ पे एसी चल जाता है। अब इतना तो है नहीं भीड़ भाड़ की, भाई ज़्यादा सामान है तो आराम से ये आ जाएगा, फिर रात को लेटने में भी दिक्कत नहीं होगी। ऑफिस को तो सॉरी उसको एसी को तो हम वहाँ से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनको काम तो वहीं पे ही करना है, बाकी बेड डाल सकते हैं स्पेस करने के बाद। और इसीलिए बिल्कुल वो रूम हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया। तो अब ये बेड है खाली करने की बारी, बेड में जो भी सामान है सारा निकाल दिया, सारा लगा दूंगी बाहर। बच्चे भी लग रहे, बच्चे क्या इशू लग रही है, गुड्डू तो एक आध लेगी, वो थक गई थी, तो यहाँ मैं और यीशु लग रही हैं दोनों, और इसके पापा बेड में से दे रहे हैं निकाल निकाल के सामान, तो वो बाहर लगा देंगे, क्योंकि खाली करके ही ये बेड हमें रखने हैं ऑफिस में। जब तक खाली नहीं होंगे ये खड़े करके ले जाने हैं तो ये नहीं जा पाएंगे। कन्हैया भी दुकान पे जा रहा था, तो यहाँ पे मैं और इसके पापा ही थे, तो हम ही लगे हुए हैं दोनों। बल्कि ये कह भी रहे थे कि अभी रुक जा कन्हैया आ जाएगा, मगर पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और वो उसे वहाँ पे काम कर रहा, अभी ये भी नहीं कि बीच में बुला लो काम करते करते। तो जब तक यहाँ पे दोनों बेड कर लेंगे खाली, तो जो भी सामान है सारा बस लगा दूंगी बाहर, इकट्ठा बाहर चौक में इकट्ठा कर देंगे, ये निकालते जा रहे और मैं भी, दोनों दोनों अपना लग रहे हैं, कर देंगे बेड को पूरा खाली। तो यहाँ बेड हमारा बिल्कुल खाली हो चुका है, और ये देखिए सारा सामान मैंने रख दिया है बाहर, इकट्ठा करके रख दिया हमने। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो एक बेड है हमारा, उसमें इसके पापा का कंप्यूटर का ही सामान है सारा, और ये सामान इतना पुराना पुराना है, जब हम दिल्ली रहते थे जब तक का है इसमें सामान, तो काफी दिन हो गए। ये कह भी रहे थे कि मैं इनमें से निकाल लूंगा, काफी सामान तो ऐसा है कि वेस्ट ही होता है, और ये बेड ऐसे ही भरा पड़ा।
तो आज जब सामान सारा बाहर निकल ही रहा है तो मैं इनको कहने लगी, मैंने कहा आप इसे भी देख लो एक बार हाथ निकाल के कि जो जरूरी है सामान वो रख लेंगे, बाकी जो वेस्ट है तो उसे घर में भरने से क्या फायदा, इसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे इसके पापा बस लग रहे हैं सारी चीजों को देखने में करने में, कि देख रहे हैं कि क्या ठीक है चीज उसको रख लेंगे, क्योंकि ये तो ऐसी चीजें होती है जब खराब होती है तभी धरी जाती है, ऐसा चलते हुए तो रखी नहीं जाती। हम सोच लेते हैं कि ये बाद में काम आ जाएगी, लेकिन चलो कि जैसा ये है सीपीयू वगैरह है ये तो फिर भी ठीक करवा के काम आ जाए, लेकिन ये कीबोर्ड इतने सारे हो रहे हैं ये तो काम नहीं आते, खराब ही हो रहे तभी ये रख रख के। तो काफी सारे ऐसे सामान थे जो इन्होंने निकाल दिए सारे और कर दिया है यहाँ पे, मतलब जो जरूरी वो रख लेंगे, वो साइड में निकाल दिया सामान और काफी सारा ही था। तो यहाँ पे जो जरूरी वो इसे एक जो ये आरओ का डब्बा है मेरे पास, इसमें मक्का जो भी जरूरी है आपका सामान इसमें रख दो, इससे स्पेस भी कम रहेगा और जो जरूरी सामान सिर्फ वो रखेंगे, ज्यादा हम भर भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पे बस ये अपना रख रहे हैं, और जो हमारा जरूरी है मेरा लग रहा मुझे कि, वैसे तो मैं तो खैर अपना निकालती रहती हूँ, मेरे का तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वेस्ट सामान है, अभी जैसा मैंने थोड़े दिन पहले ही सफाई करी थी तो तब निकाल दिया था, इन्हीं का ही है तो वो ही मैं करवा रही हूँ इनके हेल्प मैं, देख लो ये इसमें भर रहा है, जो निकालना निकाल दो, बाकी जो है वो मुझे है कि ये जो डब्बे हैं सिर्फ इनमें ही आ जाए ज़्यादा अच्छी बात है, डिब्बों में अच्छे से सेट करके भी रखा जाता है सामान और ज़्यादा जगह भी नहीं लेता। तो यहाँ लगे हुए हैं दोनों और अपना कर रहे हैं। तो सामान हमने सारा निकाल लिया, सेट कर लिया, जो भी रखना वो अलग रख दिया, जो निकालना वो साइड में लगा दिया। और अब है बारी बेड को निकालने की। अब बेड जैसा मैंने बताया था कि खड़े होके ही निकालने, इसीलिए हमने खाली करे और भारी भी हो रहे थे सामान रख के, दरवाजे भी हमारे जो ये है ना रूम के छोटे ही हैं तो ऐसे करके आ नहीं सकता। तो यहाँ पायदान एक साइड दोनों डाल लिए, दो पायदान इसके पापा ने और सरका के लिए आए, उससे क्या फायदा हुआ, ना तो स्क्रैच आया बिल्कुल भी बेड पे और ना ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ी, मतलब इजीली ये बेड सरक के आ गया। तो ये एक हम ले आए हैं उठा के, इसको लगा देंगे ऑफिस में। बस यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कौन सी दिशा में ठीक है, कैसे कैसे करना, तो मैं तो दूसरी साइड कह रही थी कि इस तरह कर लो, फिर इसके पापा कहने लगे नहीं इस साइड कर दो, यहाँ पे स्पेस ज्यादा बन जाएगा। तो यहाँ पे बस लगा दिया एक तो लाके, अब दूसरा भी बस इसी तरीके से लेके आएंगे, उसको भी ऑफिस में डाल देंगे। तो यहाँ देखिए ले आए हैं दूसरा भी, अब इसको भी सेट कर देंगे। और यह बात भी चल रही है कुछ ना कुछ ये टॉपिक से छोड़ते ही रहते हैं इसके पापा। और बस यहाँ पे देखिए हमारा बेडरूम नया तैयार होने लग रहा है, अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसी भी है फैन भी है, दोनों चीज आराम से चल जाएंगे। वरना गर्मी में चलो बड़े तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा परेशान रहते हैं, बच्चों की वजह से अब हमें क्या करना पड़ रहा था, या तो नीचे बिस्तर बिछाने पड़े थे जैसे बिछौने वगैरह, या फिर फोल्डिंग डालने पड़ रहे थे। और जब वो था मतलब फोल्डिंग डाल के फिर सुबह ही उठाओ, बहुत काम बढ़ जाता था। अब यह है कि कोई आएगा तो आराम से बैठ भी जाएगा, ये भी नहीं है कि बैठ नहीं सकते, और अपना रात को लेट जाओ, दिन में भी जैसा आराम से बच्चे वगैरह लेट जाए आराम से, और फिर ये साफ सफाई अपना बेड से जो चद्दर वगैरह ओढ़ने के वो उठा दो सुबह ही, इतनी मतलब ज्यादा नहीं करना पड़ना। पहले तो रोज का ये था, अगर पढ़ते थे तो सामान ज्यादा उठाना पड़ा था सुबह ही, फिर इसीलिए मैं आलस में फिर ना कर देती थी, मैं कहा नहीं आराम से पढ़ जाओ सुबह ही, फिर सारा उठाना, पहले रात को डाल लो फिर उठाओ, तो ये दिक्कत होती थी। तो अब ये परेशानी हमारे सामने नहीं आएगी, अब हमने अपना बेडरूम कर लिया तैयार। यहाँ पे सबसे पहले मैंने साफ कर दिया और इसमें डाल दिए पेपर, अब जो सामान था इसके अंदर वो सारा लगा दूंगी सेट करके। इसके पापा और यीशु लाने लगे हैं, एक साइड मैंने लगा दिया ये जो बिस्तरे वगैरह निकले थे इसमें ये,
और काफ़ी स्पेस निकल गया क्योंकि जो सामान एक्स्ट्रा था वो सारा निकाल दिया। अब कोई भी सामान इसमें मिसयूज नहीं है, सारा यूज का ही है। मतलब ये नहीं, पहले काफ़ी सारा इनका सामान था कंप्यूटर वगैरह का, तो वो उन्होंने सारा निकाल दिया। अब दोनों साइड ही बस मैं सारा सामान सेट करके लगा दूंगी, जितना भी है। एक बेड में कर दिया, अब दूसरे में भी इसी तरीके से सफाई करके पेपर डाल के और लगा दूंगी सामान। एक साइड तो मैंने बिस्तरे वगैरह लगा दिए, दूसरी साइड मेरा जो क्रोकरी का सामान है या फिर कम मैं यूज करती हूँ जो किचन का सामान मेरा, वो मैं रखती हूँ, उसको लगा दूंगी। तो ये देखिए, ये वाला बेड हमारा हो गया है बिल्कुल सेट। अब जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी मैंने दूसरी साइड लगा दिया है सामान, और बस ये देखिए बेड को अब कर देंगे सेट, मिला दिया है। और अब इस पे गद्दे चद्दर लगा के कर दूंगी अपना बेडरूम तैयार। और ईशू हो रही है पूरी एक्साइटेड कि मम्मा जल्दी जल्दी डाल दो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लेटना अपने बेड पे। और गर्मी हो ही रही है बहुत ज़्यादा, जैसा जैसा बरसात ज़्यादा होती जा रही है ऐसे ही गर्मी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे गद्दे इन्होंने लगा दिए हैं, और बस अब मैं बेडशीट ले आई और अब इसके ऊपर लगा दूंगी बेडशीट। नहीं तो है नहीं मेरे पास जो नई डालूँ, उनका चलो कोई नहीं है तो रोज की बिछाने की लेटना ही तो है, तो वो ही वाली मैं इसके ऊपर लगा दूंगी बेडशीट और बस कर दूंगी पूरा बेड सेट। तो जी घर हमारा पूरा ही बिखरा पड़ा है, आज पूरे घर को ही बदलना मैं थोड़ा थोड़ा करके। रूम तो मेरा सेट हो गया, ये बेडरूम नए वाला, बाकी उधर तो अभी फैला पड़ा। जो उधर का होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे कैसे सेटिंग करनी है। अभी तो मुझे खाना बनाना है, शाम का टाइम हो गया, लगभग 8 ही बज गए थे मुझे लगे लगे, और फिर खाना भी बनाना था तो लेट हो गए थे, तो सुबह ही जल्दी उठ के तब करूंगी इधर की सेटिंग। अभी कुछ नहीं होगा मेरे से, थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो आज का ये जो बेडरूम हमारा नए वाला, ये मैंने सेट कर दिया। आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और देखिए बस कर दूंगी पूरा रेडी। तो हमारा न्यू बेडरूम रेडी हो चुका है और जब गर्मी जाली जब हमने एसी में डाला बेड, तो क्या अब हम यहाँ पे सब्जी काटते हैं। हाँ तो सब्जी सब मुहूर्त करेंगे, बेटे नीचे बैठ कर काटिए ऊपर नहीं, गुड्डू। तो ये वाला रूम तो रेडी हो गया, अब देखते हैं बाहर जो हाल हो रहा, वो जहाँ से ये निकाला वो भी दिखा दूँ। देखिए अभी तो पूरा घर फैला पड़ा, ये देखो।